ये 15 दिन में जो लोग आते हैं बहुत बड़ी संख्या में, 6 से 8 लाख लोग आते हैं बाहर से इस 15 दिन के अंदर, तो उसके लिए तो एक एक चीज को देखना बहुत जरूरी होता है कि सब तरह से। तो हमने 8-9 आइटम बना दिए, और जब भी जब होता है तभी भी कुछ दिन पहले आ गए थे हम लोग सबसे मीटिंग, और मीटिंग करके और एक एक चीज को देख करके और सबसे पूछ लिया, सारे अधिकारियों ने बता दिया कि हम लोगों ने सारा काम कर लिया कि कोई भी आएंगे उनको आने जाने में दिक्कत नहीं हो। ये सब जितना भी पशु जो इधर से उधर रहता है सबको हम पहले ही से कहे कि उसको एक किनारे में रखिएगा इस बीच में, ताकि किसी को कोई आने जाने में दिक्कत नहीं हो। तो हर तरह से सब काम करते हुए, और जो लोग बाहर से आते हैं उनको रहने होने का भी ठीक ठाक इंतजाम होना चाहिए। एक एक चीज को देख लीजिए, और जब सब लोग आते हैं और ज्यादातर लोग बिहार से बिहार के बाहर से आते हैं, और जब देखेंगे देखते रहेंगे कि यहाँ पर उनको सुविधा होती है तो सब जगह इसकी प्रशंसा करेंगे। तो पहले की तुलना में तो और भी लोग आने लगे। अब पिछले 2 साल से भले ही आप जानते हैं कोरोना का दौर चला तो नहीं हो रहा था, और इस बार तो फिर हो ही रहा, तो इसी बीच में सब चीज को हम लोग जो देखते रहते थे, तो इसमें हम लोगों को लगा कि भाई फल्गु नदी में पानी खत्म हो जाता है, इस बीच में कुछ दिन पानी रहता, आते हैं लोग सालों भर, लेकिन पानी खत्म हो जाता है, लोगों को बहुत दिक्कत होती है, इसलिए इसके लिए हम लोगों को एक रबर डैम के बारे में काम करना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर जो आते हैं और इनको हर समय बिल्कुल उपलब्ध रहना चाहिए यहाँ पर। तो इसी के लिए भी आपको बता दिया गया कि सबसे बड़ा रबर डैम इस देश का बन गया है। अब कितनी सुविधा होगी, कभी भी पानी खत्म नहीं होगा। ये जो देख रहे हैं ये कोई इन्हीं इसी मौसम की बात नहीं है, हर समय 12 महीना आपको रहेगा 2-3 फीट तक यहां पर पानी रहेगा। कभी भी कोई कहीं से भी आएंगे उनको किसी तरह की कोई असुविधा नहीं होगी, लोग प्रसन्न रहेंगे। और बिहार के भी तो जानते ही हैं, और अनेक जगहों के लोग यहां पर तो आते ही हैं। तो इस तरह से जो यहां पर का एक पूरा का पूरा वो पूरा सब चीज है, तो ये जो हो रहा है, तो आपको अब आज कल से पितृपक्ष मेले का भी शुरुआत हो जाएगा, तो सब लोग आएंगे, किसी तरह से दिक्कत नहीं हो। और इसके लिए हम लोगों ने जो काम शुरू किया,